अब 2024 की लड़ाई पर आ जाए। और अनमोल, भ्रष्टाचारी मात्र 10 साल के इस सफर में आप कट्टर ईमानदार से कट्टर भ्रष्टाचारी की पांत में आकर खड़े हो गए 2024, और प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है कोई भ्रष्टाचारी छूटेगा नहीं, बचेगा नहीं। तो 2024 की लड़ाई कैसी हो गई आपके लिए? आप गरिमा जी, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी ही लाल किले से कहा करते थे कि मैं भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, 2014 में उन्होंने लाल किले से बयान दिया था। आज पूरा देश देख रहा है किस तरह से एक एक करके विपक्ष के सारे नेता, चाहे वो अजीत पवार हो 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो प्रताप सरनायक हो, चाहे वो मुकुल रॉय हो, चाहे वो पांडे जिन्हें इन्होंने अभी लोकसभा का टिकट दिया है जौनपुर से यूपी में, चाहे वो नवीन जिंदल हो, कोल घोटाले के मुख्य आरोपी बताया करते थे, आज सभी लोग इनकी पार्टी में हैं। और उन सभी भ्रष्टाचारियों को इन्होंने न केवल पार्टी में जगह दी बल्कि बड़े बड़े पदों पे भी बिठाया। अशोक चौहान को इन्होंने राज्यसभा पहुंचाया। और ये एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सबसे बड़ी लाभार्थी रही है इलेक्टोरल बॉन्ड की। 41 ऐसी कंपनियां हैं, 41 ऐसी कंपनियां हैं। 10 साल पुराने अरविंद केजरीवाल को याद कीजिए जरा, मुझे याद है वो आरोपों की झड़ियां लगाया करते थे, ऊंचे ऊंचे दस्तावेज टेबल्स पर रखे होते थे और कहते थे कि आरोप लग गया इस्तीफा दे दो, शीला दीक्षित इस्तीफा दो, सुरेश कलमाड़ी इस्तीफा दो, गरिमा जी इस्तीफा मांगते थे। गरिमा जी, आम आदमी पार्टी के ऊपर पिछले 10 साल में और उनके नेताओं के ऊपर 250 से ज्यादा मुकदमे हुई हैं, कई रेड हुई हैं, लेकिन आज तक कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। 200 से ज्यादा ऐसे मुकदमे हैं जिन पे कोर्ट से हमें बरी किया गया है। और केवल एकमात्र षड्यंत्र के तहत फंसाने की जो साजिश की गई थी तथाकथित शराब घोटाले में, आज उसकी भी सच्चाई देश के सामने आ गई जब यह पता चला कि पी शरद रेड्डी, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी और इनका एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट किंग पिन कहा करता था, उसने 15 नवंबर 2022 को और 8 नवंबर 2023 को 5 करोड़ और 55 करोड़ रुपए का नजराना और रिश्वत भारतीय जनता पार्टी की झोली में दी थी। ठीक है, लेकिन एक और खबर है फिर आपके लिए, एडवोकेट अनमोल, एक और खबर है फिर आपके लिए, सुन लीजिए, एक और खबर है। शराब घोटाले में तो आपके हाथ लग गया, पी शरद चंद्र रेड्डी हो गए, बंगूटा रेड्डी हो गए, जल बोर्ड घोटाला भी है एक, और उसमें कोर्ट ने कहा कि ईडी ने जो चार्जशीट रखी है उसमें गंभीर तथ्य है, एक और दरवाजे पर दस्तक दे रहा है घोटाला। देखिए, 2015 में भी सीबीआई की रेड हुई थी, 2016 में भी हुई थी, 2018 में भी हुई थी, हमेशा ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी के नेता के ऊपर इल्जाम लगाए गए, लेकिन क्या आज तक एक भी इल्जाम साबित हो पाया? ठीक है, क्या कोई भी एजेंसी एक भी इल्जाम साबित कर पाई? 2 साल की तहकीकात के बाद, 500 से ज्यादा रेड के बाद, 1,000 से ज्यादा गवाहों के बाद, साक्ष्य के अभाव में इन्हें 4 अप्रूवर बनाने पड़े, और उन 4 अप्रूवर में से 1 अप्रूवर 60 करोड़ चंदा देता है, दूसरा अप्रूवर टीडीपी से लोकसभा का टिकट लेता है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ फोटो खिंचवाते हैं, ठीक है, तीसरा अप्रूवर उनका बेटा है जिसे बचाने के लिए 16 जुलाई 2023 को झूठा बयान दिलवाया जाता है। ठीक है, सच्चाई है इस तथाकथित शराब घोटाले की। थैंकफुल टू बी पेशेंट, आप इतना धैर्य से सबको सुनते रहे क्योंकि मुझे पता था